हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं पीएनबी बैंक के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 20 फरवरी 2022 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले पीएनबी में आज के दिन मतलब फ्राइडे के दिन जो है वो क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं फ्राइडे के दिन स्टॉक में हमें 9.22% का यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 34.95 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो यहाँ पे हमें पॉजिटिव मोमेंट देखने मिलने वाला है या फिर कोई डाउनसाइड आने वाली, उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका मंडे के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक पे बनता है जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे मतलब फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में मंडे के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारा एक ओपिनियन देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में और वहां पे देखते हैं आने वाले दिनों में स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फ्राइडे के दिन में यहाँ पे वॉल्यूम की, वॉल्यूम यहाँ पे हमें हाई देखने मिल रहा है। करंटली हमें कैंडल की बॉडी जो है मीडियम साइज की बनी है लेकिन अप साइड में बहुत ही बड़ी जो है विक हमें देखने मिल रही है। बाकी यहाँ पे मैं बात करूँ आरएसआई की, आरएसआई यहाँ पे 37 के आसपास आ चुका है जो जरूर हमें एक पॉजिटिव मोमेंट का जो इशारा देता है। लेकिन याद रखे आरएसआई हो या फिर कोई इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसे भी हमें जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। बाकी यहाँ पे मैं बात करूँ मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन इस स्टॉक में फ्राइडे की क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे के लिए मैं जरूर हमारे वन आर के चार्ट में बात करूँ, लेकिन करंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक जो हमें जरूर यहाँ पे एक पॉजिटिव मूवमेंट जो देते हुए देखने मिल सकता है, मतलब स्टॉक जो हमें अपसाइड जाते हुए देखने मिल सकता है। लेकिन याद रखना इस स्टॉक में यहाँ पे हमें फिलहाल जो है स्टॉक का जो ट्रेंड है वो अभी भी नेगेटिव का 20 EMA अभी भी 50 EMA के जो नीचे चल रहा है जो स्टॉक के ट्रेंड को जो नेगेटिव कर देता है। जरूर यहाँ पे स्टॉक जो है हमें इजीली 37.70 के आसपास जो है हमें आते हुए देखने मिल सकता है। लेकिन यहाँ से हमें फिर वापस से जो है हमें डाउन साइड भी जो देखने मिल सकती है क्योंकि स्टॉक का ट्रेंड जो अभी भी नेगेटिव है। पॉजिटिव मोमेंट 37.70 के आसपास हमें आते हुए देखने मिल सकता है, फिर वहां से वापस से हमें जो है डाउन साइड देखने मिल सकता है। तो इसकी वजह से मैं कहूंगा थोड़ा सा कॉशियसली काम करें। बाकी यहाँ पे अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए कुछ जो है ट्रेड करना है तो जरूर जो आप यहाँ पे वो जो है अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए ले सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी दबा दे क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे फोर वीडियोज मतलब फोर स्टॉक्स जो है एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन आर के चार्ट में और वहां पे देखते हैं मंडे के दिन स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो किसी भी स्टॉक में होती है उसका सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस यहाँ पे मैं जरूर आपको जो है मार्क करके बता देता हूँ। तो जिस तरह से यहाँ पे मैं मार्किंग कर रहा हूँ सेम टू सेम आप जो अपने चार्ट में यहाँ पे मार्किंग कर सकते हैं क्योंकि ये सारी की सारी मार्किंग जो है वो आपको हेल्प करेगी अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो है मेंटेन करने में। तो मैं यहाँ पे जरूर आपको रेकमेंड करूंगा कि यहाँ पे जिस तरह से मैं मार्किंग कर रहा हूँ सेम टू सेम आप अपने चार्ट में भी जरूर आप कर लें। बाकी यहाँ पे अगर आपने अभी तक हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स का जो वीडियो नहीं देखा मैं जरूर यहाँ पे आपको कहूंगा हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स का जो वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूले। हमने टोटल अभी तक जो है 14-15 यहाँ पे पार्ट्स को जो है यहाँ पे जो है अपलोड किया है। डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में हमने आपको सिखाया है और यहाँ पे शुरू से हमने बताया किस तरह से आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स को जो है मतलब कैंडलस्टिक जो है यहाँ पे कैंडल को रीड कर सकते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट को रीड करना सिखाया है और यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ बुलिश और बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह से यहाँ पे बनती है वो भी हमने आपको बताया। तो मैं यहाँ पे जरूर आपको रेकमेंड करूंगा उसको भी आप देख ले, आई बटन में मैं जरूर जो है उसको यहाँ पे ऐड करके रख दूंगा। बाकी यहाँ पे हमारी सारी की सारी मार्किंग जो है वो हो चुकी है। बात करते हैं यहाँ पे इसके क्लोजिंग की, तो क्लोजिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं 34.95 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट यहाँ पे आता है 34.55 का। डायरेक्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं 35.30 का यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस जो है वो बनता है। तो याद रखना
डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेशन का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस बीच में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको जो है वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए यहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने कॉन्सेप्ट एंड टारगेट्स टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया, जरूर जब वहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल किस तरह से वहाँ पे देखने वो हमने आपको बताया, साथ ही साथ हमें टारगेट और स्टॉप लॉस को किस तरह से मेंटेन करना वो भी हमने आपको बताया है। और यहाँ पे इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए आप किस तरह से उस दिन जो स्टॉक में प्रॉफिट कर सकते वो भी हमने आपको बताया, तो जरूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। बाकी यहाँ पे मैं बात करूँ मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट और दो रेसन यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेसन वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 34.15 का, उसके बाद क्या आता है यहाँ पे 33.40 का, यहाँ पे डायरेक्ट रेसन के बाद का अगला रेसन आता है 36.10 का, उसके बाद क्या आता है 36.55 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेसन यहाँ पे बताया जरूर जो है उसी को कंसिडर में रखते हो जो यहाँ पे आप अपना मंडे के दिन जो है वो ट्रेड ले। बाकी यहाँ पे मैं बात करूँ मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन इस स्टॉक में फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे के लिए कहूँ जरूर यहाँ पे एक नेगेटिव का बन रहा है, मतलब स्टॉक जो हमें डाउन साइड आते हुए देखने मिल सकता है। हाई चांस है 33.40 से लेकर 34.15 के बीच में हमें स्टॉक जो है क्लोजिंग मंडे के दिन यहाँ पे डाउन साइड में जो क्लोजिंग दे और यहाँ पे ओपनिंग भी जो है स्टॉक में मुझे लगता है गैप डाउन हमें देखने मिल सकती है। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में मंडे के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।